राम राम दोस्तों, मैं अरुण कुमार, डायरेक्ट वैदिक रेमेडी सीधा ज्योतिष समाधान चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। राहु की चर्चा जारी है दोस्तों। आज चर्चा करेंगे राहु जब जन्म कुंडली के 9वें भाव में होता है तो कैसा फल देता है। राहु इन 9th हाउस इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। 9वें भाव को अगर समझे तो 9वां भाव होता है आपके भाग्य का, आपके ज्ञान का, लक, डेस्टिनी, ईश्वर कृपा, देवीय कृपा, श्रद्धा, तप। इसके अलावा आपकी धार्मिकता का, आपकी धार्मिक सोच, धार्मिक यात्राएं, उच्च शिक्षा का भी रहता है 9वां भाव, क्योंकि पंचम से पंचम रहता है, जो PhD है, डॉक्टरेट है, ये सब 9th हाउस से 9वें भाव से देखा जाता है। इसके अलावा आपके गुरु, टीचर्स, इवन जो पिता की शिक्षा है वो भी 9वें भाव से देखी जाती है। 10वां भाव दोस्तों आपके एफर्ट्स का रहता है, और 11वां भाव उस एफर्ट्स के फल का रहता है, और 2nd हाउस सेविंग का रहता है, बचत का। इन सब के बीच की कड़ी होता है 9वां भाव। 10th, 11th और 2nd हाउस कहीं ना कहीं 9वें भाव पर निर्भर करता है, इसीलिए लक भाग्य यहाँ से देखा जाता है। राहु को दोस्तों समझे तो राहु एक भ्रम देने वाला, हमेशा अपनी बात को ऊपर रखने वाला, शॉर्टकट्स अपनाने वाला, असंतुष्ट, ऑब्सेसिव, जुनून देने वाला ग्रह है। 9वें भाव में दोस्तों अगर राहु होगा तो वो व्यक्ति समाज के जो नियम कानून हैं उनकी गहरी जानकारी होगी उसको, जो समाज के परंपराएं हैं, संस्कृति हैं, लाज है, उसकी जानकारी होगी। अब राहु की जो राशि है और उस राशि का जो स्वामी है उस पर निर्भर करेगा कि वो व्यक्ति उस उन नियम कानूनों को और सुधारेगा या उनको तोड़ेगा। एज सच वो जो प्रचलित रूढ़िवादी परंपराएं हैं या समाज के नियम कानून हैं 9वें घर के राहु वाला व्यक्ति नहीं मानेगा, वो या तो उनको और सुधार करेगा उनमें या फिर उनको तोड़ेगा। अब इसी वजह से 9वें घर का जो राहु है ये क्रिमिनल टेंडेंसी यानी कि आपराधिक प्रवृत्ति भी दे सकता है, समाज सुधारक भी बना सकता है, ग्रेट सोशल रिफॉर्मर्स, समाज सुधारक, और क्रिमिनल्स यानी कि आपराधिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति भी, दोनों ही 9वें भाव के राहु हो उनकी कुंडलियों में ऐसे व्यक्ति देखे जा सकते हैं। इसके अलावा रूढ़िवादी परंपराओं को 9वें भाव का राहु नहीं मानता है, जैसे कि मैंने कहा, और राहु एक असामान्य अनऑर्थोडॉक्स ग्रह है जिसको विदेशी चीज़ें, दूसरी जाति, दूसरे धर्म, इनके जानने की बहुत जिज्ञासा होती है। तो जो गुरु, टीचर या इवन जो पिता की शिक्षा भी होती है उसको भी 9वें घर के राहु वाला व्यक्ति एज सच नहीं मानेगा, संतुष्ट नहीं होगा उससे, क्योंकि उस व्यक्ति को जो वो सिखा रहे हैं उससे ऊपर की जानकारी चाहिए, तो असंतुष्ट रहेगा उससे। 9वें घर के राहु वाला व्यक्ति समाज का जो नियम कानून है, जो प्रचलित नियम कानून है, उनको तोड़ भी सकता है, क्योंकि 9वां घर लाज का भी रहता है नियम कानून का, तो आपराधिक प्रवृत्ति भी दे सकता है। विशेष करके मंगल और ये राहु की स्थिति और राहु जिस राशि में है उसके स्वामी की स्थिति, इस पर निर्भर करेगा कि वो आपराधिक जो प्रवृत्ति है, क्रिमिनल टेंडेंसी, वो कितनी बड़ी है। 9वां भाव धार्मिक यात्रा का भी है, तो यहाँ का राहु विदेश में धार्मिक यात्रा करवा सकता है, दूर की यानी धार्मिक यात्रा। और राहु की 5वीं दृष्टि आपके लगन के ऊपर भी है, तो अगर राहु और लगन पर पाप प्रभाव हो तो धर्म परिवर्तन यानी दूसरे धर्म के अंदर विश्वास बढ़ सकता है। 3रे भाव में दोस्तों केतु होता है जब 9वें घर में राहु होता है, तो भाई, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध भी असामान्य हो सकते हैं, अनऑर्थोडॉक्स, दिखावे के लिए कुछ, अंदर से कुछ। जनरली राहु जो है यहाँ पर 9वें घर का, वो छोटे भाई बहनों पर डोमिनेट करने की टेंडेंसी देगा। दोस्तों ये जो फल मैं आपको बता रहा हूँ 9वें घर के राहु के, ये अकेले राहु के फल हैं। अब राहु किस राशि में है, उसका स्वामी की स्थिति क्या है, और राहु के साथ कोई ग्रह बैठा है या राहु पर किसी ग्रह की दृष्टि है, इनसे इनमें बदलाव संभव है। राहु से संबंधित अगर आप उपाय देखना चाहते हैं तो उसका वीडियो मैंने एक अलग से डाला हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। राम राम।